एक ऋषि एक जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे रह रहे थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे और कमजोर भी, तो वो उदास रहने लगे। एक दिन उस पेड़ ने उनसे कहा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब अपने लिए आवश्यक चीजें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। तुमने मुझे इतने दिन आश्रय दिया, एक माँ की तरह छाया दी और एक पिता की तरह मेरी रक्षा की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ओ स्वामी, ऐसा मत कहिए, अभी भी तो सब कुछ वैसा ही है। नहीं, अब मेरी मृत्यु पास है, सभी को एक दिन मरना है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम इतने सालों मेरे साथ रहे, जो भी आश्रय के लिए तुम्हारे पास आएगा उसका कुछ ना कुछ भला होगा, उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। अगर कोई तुम्हारे पौधे को अपने घर में लगाएगा तो उसका जीवन समृद्ध बनेगा। इतना कहते हुए ऋषि को अचानक दौरा पड़ा और उन्होंने आखिरी सांस ली। एक दिन पृथ्वी नाम का एक गरीब व्यक्ति जो जंगल से गुजर रहा था, थककर उस जादुई पेड़ के नीचे बैठा। उसे देखकर उसने सोचा, ये पेड़ की महिमा कुछ अलग ही है, इस पर एक भी सूखी पत्ती नहीं, मैंने इससे पहले कभी इस तरह का पेड़ नहीं देखा। ये सोचते हुए उसने उस पेड़ के पौधे के लिए चारों ओर देखा ताकि वो उसे ले जाकर अपने घर पर लगा सके, लेकिन उसे नहीं मिला। मित्र, क्या खोज रहे हो तुम? पृथ्वी पेड़ को बोलता देखकर हैरान रह गया और डर भी गया। डरो मत, मैं जादुई पेड़ हूं और मुझे एक विशेष वरदान मिला है। क्या तुम मेरा पौधा खोज रहे हो? मैं दूंगा तुम्हें, एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे पास आश्रय के लिए आने वाले लोगों का भला होगा, इसीलिए अपना पौधा मैं तुम्हें उपहार में दूंगा। ये लो, इस पौधे को अपने साथ ले जाओ और इसे अपने घर पर लगाओ, फिर बाद में होने वाले अजूबे को देखो। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उपहार दिया तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। फिर उसने एक घड़ा लिया, पास की नदी से पानी लाया और उस पेड़ के तने में डाला। उसने उस पेड़ का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उस जादुई पेड़ का पौधा लेने वाली पृथ्वी ने उसे अपने घर में लगाया और उसे पानी दिया। बहुत जल्द वो पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और पत्तियों के साथ साथ रुपए उगाए। पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गया और उसने वो सारे पैसे ले लिए। एक ऋषि द्वारा दिए गए वरदान ने एक गरीब आदमी का जीवन बदल दिया। काश के ऐसा असल जिंदगी में हो सके तो कितने गरीब लोगों के जीवन सुधर जाए। एक बार की बात है, कृष्णापुर गांव में एक किसान राम रहता था। वो अपनी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन पूरा कर रहा था। राम के पास एक अच्छी सी भैंस थी। उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह उस भैंस की देखभाल की। वो भैंस दूध देती थी और राम को अपने परिवार का पेट पालने में मदद करती थी। उस भैंस का दूध स्वादिष्ट भी बहुत था। राम उस भैंस को ताजी हरी घास और भूसी खिलाता था। एक दिन उस भैंस ने राम से कहा, राम, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी। तुम भी तो अच्छा दूध दे रही हो और हमें इतना स्वस्थ बना रही हो, तुम्हारा दूध पीने से मेरे बच्चे इतने मजबूत हैं। इसके अलावा मैं तुम्हारा दूध बेचकर इतना पैसा कमाता हूँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। एक छोटी सी शैतान उस रास्ते से जा रही थी और उसने उनकी बातचीत सुनी। क्या ये भैंस इतना स्वादिष्ट दूध देती है, फिर मुझे इस दूध को एक बार पीना चाहिए। ये सोचकर उस समय तो वो शैतान वहाँ से चली गई। अगले दिन शैतान राम के भेस में दिखाई दी और उस भैंस का सारा दूध पी गई। यम्मी, इस भैंस का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतना स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया, मैं कल फिर से आऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। उस भैंस ने सोचा कि राम ने पहले ही दूध ले लिया है और उसके बछड़े को बुलाया। आओ मेरे बछड़े, कुछ दूध लो, तुमको इतनी भूख लगी है ना। तुरंत भैंस का बछड़ा दूध पीने चला आया, लेकिन बछड़ा नहीं पी पा रहा था क्योंकि दूध बचा ही नहीं था। फिर बच्चे ने माँ से कहा, बहुत भूख लग रही है, दूध तो है ही नहीं, राम को मुझसे कोई मतलब नहीं है, सारा दूध ले गया। उसने ऐसा कहा तो भैंस को गुस्सा आ गया। राम को गलत मत कहो, वो बहुत अच्छा इंसान है, आज कुछ रिश्तेदार हैं शायद आए, तो उसने शायद सारा दूध ले लिया, तुम आज घास खाओ और सो जाओ। तो बछड़ा बोला,
ठीक है। इस बीच राम हमेशा की तरह दूध लेने के लिए आया। भैंस ने ये देखा तो सोचा, ये क्या है, राम तो फिर आ गया लेकिन मेरे पास तो अब दूध ही नहीं है। कई रिश्तेदार उसके घर आए हैं शायद, जो थोड़ा बहुत होगा वो दूध लेगा। ये सोचकर राम से बिना कुछ कहे भैंस चुपचाप खड़ी रही। फिर राम ने भैंस का दूध दुहना शुरू किया लेकिन उसे दूध नहीं मिला। ये क्या है, आज कोई दूध नहीं बचा है, क्या तुमने सारा दूध अपने बछड़े को दे दिया? राम तुमने कुछ देर पहले ही तो सारा दूध ले लिया ना। मैंने कब दुहा, अभी अभी तो खेत से लौटा हूँ। ये सुनकर भैंस को समझ नहीं आया कि क्या कहे। राम गुस्से में वहाँ से चला गया। तब भैंस ने अपने बछड़े से कहा, अभी थोड़ी देर पहले राम ने मुझसे दूध दुहा था, फिर वो ये क्यों कह रहा है कि वो अभी खेत से आया है? वो छोटी शैतान अगले दिन राम के भेस में फिर आई और सारा दूध पी गई। भैंस ने सोचा ये राम है और सारा दूध दे भी दिया। उस शैतान ने खुशी खुशी सारा दूध पिया और गायब हो गई। हमेशा की तरह राम भैंस का दूध दुहने फिर से आया, लेकिन पिछले दिन की तरह इस दिन भी दूध की एक बूंद भी नहीं बची थी। राम को आ गया गुस्सा और उसने भैंस को एक छड़ी से मार दिया। फिर उस भैंस को डांटा और वहां से चला गया। अगले दिन राम ने सोचा, ये भैंस अपने बछड़े को सारा दूध पिला दे रही है। ये सोचकर राम ने उस भैंस के बछड़े को कुछ दूरी पर बांध दिया और खेत में चला गया। अगले दिन शैतान फिर आई, सारा दूध पीकर चली गई। जैसे ही राम घर लौटा वो भैंस का दूध दुहने के लिए गया, लेकिन दूध आज भी नहीं बचा था। ये क्या हो रहा है, इस भैंस का बछड़ा वहीं बंधा है, फिर दूध कहाँ गया? तुम मेरे पास आए थे ना और दूध दुहकर गए थे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभी अभी तो खेत से लौटा हूँ। भैंस भी नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन राम को संदेह हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है और इसे सही करने के लिए सोचने लगा। अगले दिन राम ने कहा कि वो खेत पर जा रहा है, लेकिन वो चुपके से दीवार के पास बैठ गया और उस भैंस को देखने लगा। थोड़ी देर बाद राम ने शैतान को देखा। ओह, तो ये शैतान हर दिन मेरी भैंस का सारा दूध पी जाती है। राम को गुस्सा आ गया और उसने स्टोव से जलती हुई लकड़ी उठा ली। फिर वो चुपचाप गया और उस शैतान के बालों में आग लगा दी। ओ नहीं नहीं, आग, आग, आग। इस तरह शैतान ने चिल्लाना शुरू किया और राख में बदल गई। मैंने तुम्हें डांटा था ना और तुम्हें मारा भी था, हालांकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। राम, ये आपकी गलती नहीं है, उस शैतान ने सब कुछ किया। इस घटना के बाद राम और उसकी भैंस का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक गांव में एक बड़े से पेड़ में एक शैतान रहती थी। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर कार्तिक नाम का एक इंसान पानी पूरी बेचता था। ज्यादातर लड़कियां उसी के पास आती थी पानी पूरी खाने के लिए। खाने के बाद पैसे देकर वो चले जाते थे। शैतान ये सब हर रोज देखती थी। क्यों ये लड़कियां इस इंसान के पास आती है हमेशा? ये चीज क्या है जो वो रोज खाते हैं? इसका स्वाद कैसा है, मुझे भी इसे खाना है। ये सोचकर शैतान ने एक पानी पूरी चुपके से खाया और सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, शायद यही वजह है कि लड़कियां रोज इसके पास आती है। फिर वो शैतान बिना बता के उस इंसान के पास रोज आती थी पानी पूरी खाने के लिए। एक दिन वो इंसान उस पेड़ के नीचे आया दोपहर के वक्त और कुछ मिलाने लगा। वो देखकर शैतान सोची, ये क्या, ये इंसान आज इतनी जल्दी क्यों आया और वो कर क्या रहा है वहाँ? शैतान ध्यान से पानी पूरी वाले को देखने लगी। बदमाश कहीं का, पानी पूरी के साथ ये साफ पानी भी नहीं दे रहा है, उसके ऊपर अपने गंदे हाथों से ये काम कर रहा है और सस्ते मसाले मिला रहा है, इसे खाने के बाद लोगों की सेहत का क्या होगा? इस बीच एक महिला वहाँ आई और पूछी, भैया मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना। तुरंत वो शैतान कार्तिक के शरीर में घुस गई और बोली, कोई पानी पूरी नहीं है यहाँ, इस जगह को छोड़कर चली जाओ चुपचाप, अपने आप को देखी हो, भैंस जैसी लगती हो, आई हो पानी पूरी खाने, तुम पागल जैसी लग रही हो इस कपड़े में। ये कहकर शैतान उसके शरीर से तुरंत निकल गई। क्या मैडम, आप इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रही है? महिला जो काफी गुस्से में थी वो बोली, क्या अभी तक तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे मुझसे और अभी ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं? ये कहकर उसने उसकी खूब पिटाई की।
और वहाँ से चली गई। अरे मैंने किया क्या, हे भगवान बहुत दर्द हो रहा है। इस बीच एक बुजुर्ग महिला वहाँ आई और बोली, यहाँ पर क्या मिलेगा। शैतान फिर से कार्तिक के शरीर में घुस गई और बोली, बुढ़ी औरत इस उम्र में तुम्हें पानी पूरी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे बुढ़ी औरत कह रहे हो, तुम खुद बुढ़े आदमी हो। ये कहकर उसने उसे बहुत डांटा और वहाँ से चली गई। इसी तरह शैतान हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही थी जो भी वहाँ आ रहा था। क्या हुआ, क्यों ये सारे लोग आज ऐसे बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। इस बीच शैतान वहाँ आई और बोली, ये सब कुछ मैंने किया है, तुमने जो किया था उससे पहले मैंने वो सब देख लिया था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे मुनाफा नहीं होगा। क्या तुम अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान ले लोगे। मैं तुम्हें आखिरी बार के लिए बोल रही हूँ, अगर तुम फिर से ऐसा किए तो तुम्हें मैं मार दूंगी। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अच्छी बात है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी पेड़ में रहूंगी। अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस बात से कार्तिक काफी डर गया और उसके बाद से शैतान जो कहती थी वो वही करता था। इस तरह शैतान ने उसे सबक सिखा दिया।